Eu vou ajudar. Eu vou mudar, tá bom, Luizinho. Review of subscription method of the data, manufacturing in the data. Avisi che posso andare. A fifth question is student of class collected 22801. Collected by students of a class. एक क्लास है जिन्होंने कैंसर पेशेंट्स के लिए पैसे इकट्ठा करने शुरू किए, तो टोटल पैसे जो कि इकट्ठा हुए वो थे 22801। अब ये कहा था कि क्लास में हर बच्चा उतने ही पैसे देगा जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब मनी डिपॉजिटेड बाय अ स्टूडेंट is equal to total number of students in class. हर बच्चा उतने पैसे देगा जितने उसकी क्लास में बच्चे हैं अपने को मिला, ठीक है। तो ये कहा है कि अगर टोटल मनी इकट्ठा हुई 22801 तो ये बताओ कि क्लास में कितने बच्चे हैं। क्वेश्चन कैसे हो? सिंपल इक्वेशन तो आ गया होगा ना। हाँ, हम इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है और ये किसके इक्वल है, एक बच्चे के, एक बच्चे ने जितना पैसा जमा किया उसके लिए। तो मनी डिपॉजिटेड बाय अ स्टूडेंट वो भी एक्स ही होगा। अब अगर एक बच्चे ने 5 रुपए इकट्ठा किए हैं, दो बच्चे ने कितने किए हैं 10, यानी कि 2 × 5 किए हैं। 3 बच्चों ने कितने किए हैं 3 × 5 किए हैं। 4 बच्चों ने कितने किए हैं 4 × 5 किए हैं। वैसे x बच्चों ने कितने किए हैं x × 5 किए हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें कहा गया है कि हर स्टूडेंट ने x रुपए जमा किए हैं। इसका मतलब एक स्टूडेंट ने x जमा किए हैं, दो स्टूडेंट ने जमा किए हैं 2 × x, 3 स्टूडेंट ने जमा किए हैं 3 × x, वैसे ही x स्टूडेंट ने कितने जमा किए हैं x × x, ठीक है। समझ में आ गया कैसे है? आगे बढ़ता तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू मनी डिपॉजिटेड बाय एवरी स्टूडेंट, मनी डिपॉजिटेड बाय ए स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे आया क्या आप सब पता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बनाए थे एक्स, मनी डिपॉजिटेड हुई एक्स,
ये 22801 के इक्वल है, देखिए ये वाली लाइन सही है, ये वाली तो मैंने इसमें क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स था इसकी जगह एक्स लिख दिया, मनी डिपॉजिट बाय स्टूडेंट भी एक्स था इसकी जगह एक्स लिख दिया, तो ये सही है भाई, गलत कैसे जीरो वन, तो टोटल पैसे जमा किए हैं, हर बच्चे ने कितने जमा किए हैं एक्स की, सबसे जमा करने के बाद जो इकट्ठा हुए वो है 2801, लेकिन हर बच्चे ने कितने जमा किए एक्स जमा किए, अब एक्स इंटू एक्स कितना होगा इस चैप्टर में बड़ा फाइनल, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स हुआ पक्का, एक्स इंटू एक्स जिसमें पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, क्या होती है इसकी कोई पावर नहीं होती, इसकी पावर क्या होती है, इसकी पावर नहीं होती, इसकी पावर के 1, उसकी पावर 1 होती है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो क्या आएगा इनको मल्टीप्लाई करके 1, बेस सेम है, बेस सेम होने में बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या होगा प्लस, क्या प्लस, पावर प्लस होगी, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 होगा, तो एक्स कहां से आया, एक्स की पावर 2 आया ना, ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करके x की पावर 2 आया इज इक्वल्स टू 22801, ठीक है, अब जो x की पावर 2 है इसको बोलते हैं x स्क्वायर, ये जैसे प्लस जो होता है इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे ही स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, ये इधर स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22801, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत पक्का, निकालो स्क्वायर रूट से कोई से भी मेथड से जो अच्छा लगता है, चलो इसी को बताया था, एक नया मेथड बताता हूँ स्क्वायर रूट निकालने का, लॉग डिवीजन मेथड, ठीक है, देखना कैसे आया, नहीं आया तो वो बात अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, उसके अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, जब तक नहीं आएगा पूछ लेना, 22801 का स्क्वायर रूट निकालना है, 22801, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करके दो दो के पेयर बनाने, एक पेयर दो पेयर एक पेयर अकेला, इसके साथ कोई नहीं आ रहा तो ये अकेला पेयर में, ठीक, अब ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या फिर उससे कम हो, स्क्वायर स्क्वायर या तो 2 हो या फिर उससे कम हो, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 से ज्यादा हो गया, तो ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 2 हो या फिर उससे कम हो, नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर पहले वाले पेयर के बराबर हो, पहला वाला जो पेयर है, क्या होता है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर है तो 2 हो या फिर उससे कम हो, वही तो होता है, और क्या होता है, 1 का स्क्वायर करके 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करके तो 4 आ जाएगा, 2 से ज्यादा हो गया, हमें कम वाला लेना है, तो 1 1 जा 1 यहां लिखना, ठीक, ये लिखा है हम, ये यहाँ पर 1 लिखा है, ये हमने हमें सेम नंबर लेना है उसको यहाँ यहाँ लिखना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ लिखना है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 बचा, फिर जैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में अगला नंबर उतार देते हैं, वैसे ही इसमें अगला पेयर उतार देते हैं, पूरा पेयर उतरेगा, चाहे सिंगल अप सिंगल अप तो नहीं होगा, डबल वाई पेयर होगा, 1 और नीचे 28 आएगा, ठीक, अब ऊपर जो चीज है उसका डबल यहां पे लिखना है, 1 का डबल 2, अब यहां इस पेयर में से एक नंबर छुपाना है, पहले देखना है 2 की टेबल में 12 कहां पे आता है,
सिक्स से आता है, सिक्स से आता है तो एग्जैक्ट नहीं लेना है, सिक्स से आता बराबर आ रहा है ना तो उससे एक कम लेना है, तो फाइव लेना है, ले लेते हैं फाइव, यहां भी लिखो फाइव, यहां भी लिखो, ऊपर वाले फाइव से नीचे वाले पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव ये होता है 125, ठीक, इसको माइनस करेंगे तो 301, अब फिर वही करना है, इसका डबल यहां लिखना है 30, एक नंबर छुपाना है, 30 के डबल में 30 कितनी बार जाता है, वन बार जाएगा, वन से कम तो हम ले नहीं सकते तो वन बार ही लेना पड़ेगा, वन यहां, अब ऊपर वाले वन से इसको मल्टीप्लाई करना है 301, ये हो गया जीरो आ गया, आ गया, तो जो ऊपर बचा वो इसका स्क्वायर रूट है 151, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इज इक्वल टू 151, ठीक हो गया, नहीं आया समझ में बताऊंगा अगले क्वेश्चन में बताऊंगा इसको, चलो समझ पहले को नहीं करना है, यहां का बस लास्ट वाला नंबर लेना है, हाँ यहां से सिर्फ लास्ट नंबर, यहां का पूरा नंबर, हो गया, फिर नीचे लिख देना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 150, अब कहा है एक स्क्वायर है जिसका पेरिमीटर जो है 40 मीटर है और एक दूसरा स्क्वायर है जिसका पेरिमीटर 96 है, अब कहा है कि एक ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालो जिसका पेरिमीटर इन दोनों को जोड़ के जो आ रहा है उसके इक्वल है, नहीं हाँ ऐसे स्क्वायर का पेरिमीटर निकाल लो जिसका एरिया इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर के एरिया को जोड़ के जो आएगा उसके बराबर है, तो पहले इन दोनों स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए साइड निकालनी पड़ेगी पहले, तो पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर इंटू साइड 14 मीटर, तो पेरिमीटर का स्क्वायर 4 इंटू साइड 1, साइड 1 इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले स्क्वायर की बात, ठीक इज इक्वल टू 40, तो साइड जो आई पहले स्क्वायर की वो 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 मीटर आई, इसका मतलब साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर
इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक हो गया। वैसे ही पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, मीटर, 4 इंटू साइड 2 इज इक्वल टू 96, साइड 2 इज इक्वल टू 96 अपॉन 4 इज इक्वल टू 28 मीटर। तो साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 28 मीटर। ठीक हो गया। पहले स्क्वायर की भी साइड निकल गई, दूसरे स्क्वायर की भी साइड निकल गई। हाँ, अब कहा है तीसरे स्क्वायर का पैरामीटर बताओ जिसका एरिया इन दो स्क्वायर के इक्वल हो। तो उसके लिए पहले एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, इनको बताया था, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड मतलब 10 इनटू 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर आ गया पहले स्क्वायर का एरिया। ठीक। अब एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, ये भी साइड इनटू साइड इज इक्वल टू 28 इनटू 28 कितना होगा? 784 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। दोनों स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर जो इन दोनों के एरिया को जोड़ के बनेगा इज इक्वल टू 100 प्लस 784 इज इक्वल टू 84884। कोई दिक्कत इसमें यहां पर? हाँ। अब कहा है जो ये नया स्क्वायर बना इन दोनों पुराने स्क्वायर के एरिया को जोड़ के उसका तुमको पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालने के लिए पहले नए स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगी? अब एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 884। एरिया का फॉर्मूला फिर से वही, साइड स्क्वायर, साइड इन टू साइड इज इक्वल टू 884। ठीक है। साइड इन टू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, 884 साइड का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है? ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। वही वाले मेथड से बता रहा हूं, नॉर्मल मेथड। ठीक है। पीछे से पेयर बनाना शुरू किया। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 8 या उससे, तो 8 या उससे कम आता है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 8 या उससे कम होता है, 4 का 16 होता है, बता रहा हूं, 2 2 4। तो 2 यहां भी दिखा, 2 यहां भी, और 2 इंटू 2 4। इन दोनों को माइनस किया, 3 का ले लेते, 3 3 से 9 हो जाता ना, बड़ा हो जाता 8 से, तो वो नहीं ले सकते थे। तो 2 लिया, 4 आया, यहाँ 4 रिमाइंडर बचा। अगला पेयर उतारा सीधे नीचे, 2 का डबल यहां लिख दिया 4। ठीक। अब 4 के टेबल में 48 कहां पे आता है? 12 हो जाता है। लेकिन हमें 2 डिजिट वाला लेना है या हमें 1 डिजिट वाला लेना है? हम 9 ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक।
अब लेकिन हम यहां भी 9 लेंगे, यहां भी 9 लेंगे, तो 9 का 81 होता है, यूनिट डिजिट इसके बराबर नहीं हुई, तो उससे एक और कम लेना पड़ेगा। अगर हम यहां भी 8 लेंगे, यहां पे 8 लेंगे, 8 का 64 होता है, यूनिट डिजिट सेम आ गई, क्यों 8 का स्क्वायर भी 64 आएगा, 64 की यूनिट डिजिट 4, इसकी यूनिट डिजिट भी 4, तो यहां पे भी 8 ले लेंगे, यहां पे भी 8 ले लेंगे, इस 8 से इस 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48480। ये हो रहा है नहीं, फुट अगर हम 8 ले लेंगे यहां पे तो 8 48 into 8 निकालेंगे तो 8 is 64, 4 के 6 8 का 32 384 आ रहा है। यहाँ पे गलत गलत हो गया ना, 28 कहाँ आएगा, 24 आएगा, ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आएगा, ठीक जैसा गलत। ये आएगा 576, इसको प्लस करेंगे तो 676 676। अब कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 6 या उससे छोटा होता है, 2 जा 4 बचा 2, यहां पे अगला पेयर होता है 776, 2 का डबल होता है 4, 4 के टेबल में 27 या उससे कम कहां पे आता है, 6 जा 24 तो साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मीटर और हमें निकालना क्या था, एरिया, एरिया निकालना था। Is equals to 4 into side 104 meter. खत्म। बताए पैरामीटर। पहले स्क्वायर का पैरामीटर दिया था 40, सेकंड स्क्वायर का पैरामीटर दिया था 96। ये कहा था कि ऐसे स्क्वायर का पैरामीटर निकालो जिसका एरिया इन दोनों स्क्वायर के एरिया के इक्वल हो। तो उसके लिए हमें पहले पहले वाले स्क्वायर का दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया निकालना था।
पहले वाले स्क्वायर का पेरिमीटर 40 दे रखा था, तो यहां से हमने साइड निकाल ली 10 मीटर आएगा। और दूसरे वाले स्क्वायर का 96 दे रखा था, वहां से साइड निकाली तो 24 मीटर आएगा। फिर एरिया निकाला पहले वाले स्क्वायर का तो 100 आया, सेकंड वाले स्क्वायर का एरिया निकाला तो 576 आया। फिर इन दोनों के एरिया को जोड़ा तो 676 आया। तो जो हमारा नया स्क्वायर बनेगा उसका एरिया होगा 676। उसके बाद वहां से उस स्क्वायर की साइड निकाली स्क्वायर रूट करके तो 26 मीटर आएगा। उसके बाद पैरामीटर निकालने के लिए 4 * साइड फार्मूला लगाया, 26 * 4 104। खत्म करो। चलो अगला क्वेश्चन। After arranging 790 mango plants to form a square, a gardener left with 76 plants. Total number of plants gardener had is equals to 790. Plants left after arranging is equal to 6. Number of rows निकालेंगे। एक gardener था, ठीक है। gardener क्या होता है? माली होता है। वो 790 पौधे लेके आया। उसने सोचा था कि मैं पौधों को ऐसे ही अरेंज कर दूंगा कि जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मतलब अगर वो 5 ऐसे लगा रहा है तो 5 ही रोज लगाएगा, इधर जितने होंगे उधर ही इतने होंगे, इधर 6 करता तो इधर भी 6 करने पड़ेंगे, इधर 7 करता तो इधर भी 7 करने पड़ेंगे, ऐसे अरेंज कर रहा था। तो जब उसने 790 प्लांट्स को अरेंज किया तो 6 पौधे उसके पास बच गए जो कहीं भी अरेंज नहीं हो सकते थे, क्योंकि 790 के बाद अगर वो 6 और लगा देता तो फिर घर से कम हो जाते। तो ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनाई लगाई उसने। अरेंज करने के बाद 6 बच गए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड बाय गार्डनर ठीक है 790 पौधे थे। उसके बाद उसके पास उसने जब उन सबको लगा दिया जमीन में तो 6 पौधे जो थे वो कहीं नहीं लग पा रहे थे, अगर लग जाते तो वो स्क्वायर नहीं बन पाता, वो चेंज हो जाता। तो उसने 6 पौधे जो है वो नहीं लगाए, वो ऐसे ही रख दिए। तो टोटल कितने पौधे उसने लगाए? 794। अब 784 सॉरी। अब नंबर ऑफ रोज जो थी वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर कर दी उसने। नंबर ऑफ रोज और कॉलम पता है? रोज मतलब ऐसे करके जो होती है वो रोज होती है, और ऐसे करके जो होती है वो कॉलम होती है, ठीक। उसने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के नंबर ऑफ रोज और कॉलम को बराबर बराबर कर दिया। हम मान लेते हैं उसमें एक्स रोज थी और एक्स ही कॉलम भी थे, ठीक है, मान लिया दोनों एक्स थे। अब क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पे 3 लगे हैं और 3-3 पौधों की 5 लाइनें लगी हैं, तो टोटल कितने लगे हैं? जैसे मैंने कह दिया कि 3 रोज लगी थी, 1, 2, 3, और हर रो में 5 कॉलम थे, तो कहा टोटल कितने पौधे थे बताओ। तो क्या करते हैं हम, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने लगे हुए हैं ये निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 784, ये ठीक है। ठीक है, 784 क्यों आया था, क्यों आया, 784 लगाए थे, 6 पहले बाहर कर दिए थे तो उसको बाहर कर दिया। अब नंबर ऑफ रोज हमारे x थे, नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे x थे, ये 784 के इक्वल हो गया, x into x, x square हो गया 784, x is equals to under root of 784, ठीक है। अब 784 का स्क्वायर रूट निकाल के बताना मुझे कितना आ रहा है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पीछे से दे रहा हूं, फिर टू से किया, थ्री बचा 8, 4, टू का डबल उतारा 4, 4 की टेबल में 38 है, उससे कम 4 9 का 36, इसलिए 9 यहां, लेकिन 9 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 81 यूनिट डिजिट बनाया, और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, तो 9 नहीं दे सकते, 8 लेंगे, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4, यहाँ 4 है तो इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 784 का स्क्वायर रूट 28, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज जो है, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ रोज 28, कौन सा 38, ये वाला हमने देखा था जब हम 9 ले रहे थे, 9 इसके इससे छोटा तो हो रहा था, लेकिन 9 और यहां 49 अगर 9 से मल्टीप्लाई होता यूनिट डिजिट को 1 आता, लेकिन हमें यूनिट डिजिट 4 चाहिए था, ठीक, तो हमने एक कम लिया, 8 यहां लिया, 8 यहां लिया। अब ये ऊपर वाला जो 8 है उससे पूरे इसको मल्टीप्लाई किया 48 को, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 384 आया, तो रिमाइंडर 0 बच गया, ऊपर वाले नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया, ठीक, 8 से 48 को मल्टीप्लाई किया 384, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एक आर्मी परेड हो रही थी, उसमें 6455 सोल्जर्स को अरेंज करना था, वही करना वैसे ही करना था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर करने थे, जब उनको अरेंज किया तो 55 सोल्जर्स जो है वो अरेंज नहीं हो पाए तो उनको बाहर कर दिया, तो ये पूछ रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो, टोटल सोल्जर्स हैं 6,4,000, मतलब 55 बाहर थे, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स जो अरेंज हो पाए वो कितने थे, टोटल सोल्जर्स में से अगर हम जो बाहर हुए सोल्जर्स को निकाल देंगे तो बचे हुए सोल्जर्स आ जाएंगे, इसका मतलब इतने सोल्जर्स अरेंज हो रहे थे, तो नंबर ऑफ रोज
स्कूल के बराबर थे। इसमें भी x बराबर में x मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 6400। x ये भी था ये 6400 के इक्वल है। x स्क्वायर जो है वो 6400 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6400। 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है। इजी है तो बहुत। पीछे से पेयर बनाए 64 किसका होता है 8 8 64 जीरो बच गया। अगला पेयर उतार दिया 8 का डबल 16 16 की टेबल में डबल जीरो कितनी बार जाएगा 16 जीरो जा जीरो 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 सब कट गया ऊपर 80 बचा। नंबर ऑफ सोल्जर एक होने कितने थे 80 थे खत्म हो गया। ठीक है करो नोट फटाफट फिर लास्ट क्वेश्चन हो जाए एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब तीन नंबर दिए हुए हैं 8 9 10। कहा है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जो स्क्वायर नंबर हो मतलब किसी का स्क्वायर हो और इन तीनों से डिवाइड होता हो। नंबर स्क्वायर भी होना चाहिए और तीनों से डिविजिबल भी होना चाहिए पूरी तरह। मतलब 8 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए, 9 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए, 10 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। 1 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं अंदर को नंबर आना चाहिए ना। जो हमें हमसे कहा है नंबर ऐसा निकालो जिसको अगर हम 8 से डिवाइड करें 8 से डिवाइड करें मतलब 8 बाहर आया 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, 9 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, 10 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर बचना चाहिए और वो नंबर किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए। नंबर एक ही है, नंबर एक ही है, 8 से डिवाइड होने में 0 रिमाइंडर बचा रहा है, 9 से डिवाइड होने में भी 0 बचा रहा है। जैसे 72 होता है ना, 72 को हम 8 से डिवाइड करें तो भी 0 रिमाइंडर बचेगा, 9 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। क्या होगा वो करने के लिए सबसे पहले इनके एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आता है पक्का इसका किससे करने का होता है 2 से 4 9 5 2 से 2 9 5 2 से 1 9 5 3 से 1 3 5 3 से 1 1 5 5 से 1 1 1 इतना ठीक है कोई दिक्कत इसमें पक्का। अब LCM of 8 9 10 क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360
360 आ गया, लेकिन 360 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ना, तो ये है नहीं है। अब ये नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका फिर से एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे इसके। 2 180 290 245 5 9 जा 3 3 जा 3 1। ठीक है, अब इसमें पेयर बनाओ, एक 3 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, 5 और 2 रह गए उनका पेयर नहीं बना, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर रिक्वायर्ड है। हमें स्क्वायर नंबर चाहिए था, तो इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना है? एक 2 से एक 5 से इनटू करना है, इसका मतलब 2 इनटू 5 10 से इनटू करना है, तो 360 इनटू 10 ये बन गया 3600। तो सबसे छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर जो 8 9 10 तीनों से डिवाइड होगा वो है 360। ठीक है, करो। और ये एक्सरसाइज हो गई खत्म।